ए, गाना बंद कर, क्या लगा रखा है? अरे कितना अच्छा गाना है, ये जो पुराने जमाने के गाने थे इन गानों में कितनी सच्चाई होती थी ना। सच्चाई को ले जाके कूड़े में फेंक, मेरी बात सुन। सच्चाई न्याय बेकार की बात है, कोई इस पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ गरीब लोगों के लिए है ये सब। बेकार की बातें बंद करो और गाड़ी चला। अगर आप कह रहे हैं तो सही होगा। ए, गाड़ी रोक, किनारे लगा। क्या हुआ भैया, नाराज क्यों हो गए आप? नाराज और मैं, अरे कभी नहीं। ये बता, तेरी उम्र वोट डालने की हो गई? अच्छा। तो अपने चप्पल से मुझे मार। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? अरे तेरी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। कैसी बात ही कर रहा है ये, आप बस भी करो भैया। सुन, मैं नेताजी से मिलने जा रहा हूँ, कुछ भी करके चुनाव का टिकट लेना है, इसीलिए मैं दुनिया चलाने वाले नेता का दर्शन करने आया हूँ। मेरा काम बना दे भगवान। कमाल, यहाँ तो इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। भैया देख रहे हैं ना, यहाँ तो भगवान भी झूले पे लटके हुए हैं। माफ करिएगा भगवान। हे बकवास बनकर, पिछले साल 1 रुपए दान पेटी में डालकर 1 वोट से जीत कर MLA बन गया था, इस भगवान जी की बड़ी महिमा है। पैसे के आगे तो भगवान भी फेल हो गए हैं। भगवान बस आप पे भरोसा है। हम देखना ये है कि ये दान कितना करता है, ये तो बहुत पैसे निकाल रहा है। पिछली बार 1 रुपए चढ़ाया था, 1 वोट से जिताया था, इस बार 10 चढ़ा रहा हूँ भगवान। हिंदी चोर कहीं। जिता देना, अब बस आपका ही भरोसा है भगवान, जिता देना चुनाव। वहाँ वोट की धांधली और यहाँ नोट की धांधली, गई भैंस पानी में। भैया हाँ बोलो, आपने वहाँ फटी हुई नोट क्यों चढ़ाई? वो दुनिया के पालनहार है बेटा, उनके लिए क्या फटा क्या कड़क वो सबके लिए आश्रय है भाई। इतना भी नहीं समझता क्या, क्यों फालतू बात करता है? ए, मेरी बात सुन, तू गाड़ी चला रहा है ना, जा 10 रुपए तू भी चढ़ा के आ जा। हैं? मेरा नोट जेब में डाल दिया, सफेद कागज क्यों भी चढ़ा रहे, कर क्या रहा है ये? सुन रवि, जो पैसे मैंने दिए जेब में रख कर सफेद कागज दान पेटी में क्यों डाला? भैया पूरी दुनिया के पालनहार के पास एक प्रिंटिंग मशीन तो होगी ना? मैंने खाली कागज डाल दिया, उनका जो मन करे वो नोट छाप ले। अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो तुझे वित्त मंत्री बना दूंगा। रवि मैंने तो भगवान को कुछ चढ़ाया, तूने तो बेवकूफी बना दिया, जरा होशियार रहना, कहीं तुझे श्राप ना दे दे। भैया इंसान को ही नहीं भगवान को भी बेवकूफ बनाने वाले बहुत पसंद होते हैं। हैं? क्या बात कर रहा है, अब आप खुद को ही देख लीजिए। हैं? ए, चुपचाप गाड़ी चला। बताओ। सर अक्यूज को कोर्ट ले जा रहे हैं, आपने रास्ता बदल कर यहाँ आने के लिए किस लिए कहा था? क्यों ले जा रहे हो? वो गुनाहगार है इसलिए सर। किसने कहा गुनाहगार है? सर उसने रेप किया है। ए, शराब के नशे में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाया करती है, छोड़ दो उसे। सॉरी सर। तुम्हें पता है ना कितने सारे केसों में मुजरिम फरार हो जाया करते, इसे भी ऐसे ही केस बना दो। हम पर ऊपर से बहुत प्रेशर है, जिसे संत बनना चाहिए पुलिस की नौकरी में आकर मेरी जान खा रहे हैं, मुझे कानून सिखा रहा है। एक कांस्टेबल लेकर आओ उसे। ठीक है सर। ठीक है सर, चलो उधर जाते जल्दी। ए, इसकी हथकड़ी खोलो, चल जा, साहब से माफी मांग। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। सर सर सर, दो पुलिस सर 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 दो सर दो आई सर दो सर। आपने ऐसा क्यों किया सर? क्या हुआ सर, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। Shut your mouth, सब पता है मुझे, और मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करो। ए, कोर्ट में ले जाने के बाद कितने दिन में फैसला होगा? फैसला आने में सालों साल गुजर जाएंगे। ये इसी लायक था, इसने एक मानसिक तौर पे बीमार लड़की के साथ बलात्कार किया, क्या इसे जीने का हक था? कानून हमारे हाथ में, हमें पता है क्या करना है। ओके गो अहेड, जाके अपना काम करो, गाड़ी निकालो। लगता है अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए।
सासू माँ सब लोग मार खाते वक्त माँ माँ कहते हैं और तू सासू माँ कह रहा है। सर, मुझे जन्म देने वाली माँ मुझे पैदा करके कूड़ेदान में डालकर चली गई, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे पाला पोसा और अपने बेटी से शादी करवाई। बस उसी ममता से मैं उन्हें बुला रहा हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं अपनी साली का नाम लूंगा। मुंह बंद कर अपना। सर, ए मोटू। सर, देखा, मुझे छुड़ाने के लिए चेयर आ रहा है। सर, ए बकवास बंद कर, वो खुद पिछले हफ्ते जमानत में छूटा है, मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने आया है। ए हवलदार, ये सब जब तक ये मार खाते वक्त अपनी माँ को ना याद करे तब तक इसे कूटो। रुकिए सर, मुझे मारिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मारने से आप आईजी तो नहीं बन जाएंगे ना। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर चोरी करते हैं। ए, क्या कहा? मुझे चोरी करने की जरूरत है? सुनो, क्या हो रहा है? ये मार तुम्हारा आदमी रहा है और वो अपनी सास को बुला रहा है, ऐसा क्यों? वो सब छोड़िए मालिक, ये क्या है, ये क्या पहन रखा है आपने? किसी मीटिंग से आ रहे हैं क्या? ऐसा होता तो हार पहन कर आते, लगता है ये सांप कहीं और से आ रहे हैं। क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आप बुरा मत मानिए। ए नेताजी के लिए स्पेशल चाय लेके आओ। सर, मेरे लिए भी एक स्पेशल मंगवाइए। चुप रहे कमीने। देखा आपने, नकली नोट छापने वाला मुझसे चाय मांग रहा है। नकली नोट? हाँ, क्या बताऊँ नेताजी, उसमें भी गड़बड़ कर दिया। नोट में जहाँ गवर्नर की साइन होती है वहाँ अपनी साइन कर दिया। हाँ, इसे तो मेरी पार्टी में होना चाहिए। बहुत बड़ा बेवकूफ है ये, कोई काम ठीक से नहीं करता। नकली नोट छापा वहाँ तक ठीक है, उसमें गांधी जी की फोटो न छाप कर अपनी सासू माँ की फोटो छाप दी। सास की तस्वीर, सही है आदमी है ये। तभी तो फंस गया, तभी तो लाकर खाल खींच रहे। वो सब छोड़िए नेताजी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊँ, रवि कुमार नाम का एक कॉल टैक्सी ड्राइवर है। अरे बाप रे, क्या हो गया इसे? गाड़ी को क्या हो गया? हे भगवान, देरी हो गई तो नेताजी मेरी जान खा जाएंगे। ए, क्या हो गया गाड़ी को? भैया लगता है इंजन गरम हो गया। ए, अभी तुम्हारी गाड़ी को खराब होना था, मुझे आधे घंटे में वहाँ पहुँचना है। अरे अरे, अब इसमें मेरी क्या गलती है? ए, मेरी क्या गलती है, क्या बोल रहा है? अरे आधे घंटे में वहाँ नहीं पहुँचा तो मेरा पत्ता कट जाएगा नालायक। मेरी किस्मत खराब थी तेरी गाड़ी में बैठा। नालायक कहीं का, कोशिश कर रहा हूँ ना। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सही समय पे इसे गाड़ी मिल गई। हैं? कार से जाने वाला था, अब लारी से जाना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, यही समय का खेल है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा। सॉरी भाई साहब। अरे सॉरी 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 सॉरी। अरे वोट मांगने जाता हो तब भी धक्के मारते हो, गाड़ी में खड़ा हो तब भी धक्के मार रहे हो। ये तो रवि की गाड़ी लग रही है। रवि, अरे तेरी गाड़ी कैसे ठीक हो गई है? आपने मेरे मुंह पे थूका था ना, गुस्से में इंजन चालू हो गया। अरे रे रे रे, तो एक काम कर, मुझे साथ में ले चल, वरना टिकट नहीं मिलेगी मुझे। आपको मेरी गाड़ी में बैठाना मेरी बेइज्जती है। अभी आपको एकदम सही गाड़ी मिली है, जनता के दर्द समझते आइए। अरे उसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई, ये देखिए। खैर वो भी चलता, लेकिन उसकी वजह से मुझे टिकट भी नहीं मिला। मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन वो जहाँ कहीं भी, उसे पकड़ कर इस जाली नोट छापने वाले गिरोह का सरगना बोल कर अंदर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, वरना तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा। सर मजाक मत कीजिए सर, यहाँ से भी कोई बुरी जगह हो सकती है क्या? बकवास बंद करो, ये देखो मेरी हालत देखो। अरे भविष्य का सीएम हूँ मैं और मेरी ये हालत हो गई, ये देख रहा है ना? मेरी बात याद रखना, छोड़ना नहीं उसे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर छोड़िए ना, ये तो छोटी सी बात है, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूंगा। मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया हूँ। सर एक हमें भी। अरे ये भुखर रिश्वत का हिस्सा ही नहीं देता है तो बड़ा कहाँ से देगा? क्या कहा? कोई बात नहीं सर, आप ही खा लीजिए साहब, आपकी सेहत को वैसे भी ज्यादा सूट करेगा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्यों सर, पेट खराब हुआ है क्या? ज्यादा दिमाग मत लगा, उधर देख। ऐसा सर, मैं भी आता हूँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं सब देख लूंगा, तुम लोग जाओ आराम से बैठो। सर सर सर, पैंट की जिप तो लगा लीजिए। अरे ये इसमें जा क्यों नहीं रहा है? कौन है बे अंदर? कौन है बे बाहर? आए पुलिस, खुले पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। सर को जवाब दे रहा है। यू रास्कल। अरे कौन है यार? सर, हाँ? ए, तू यहाँ? सर आप? तू यहाँ? सर आप? ए,
छोड़ूंगा। मुझे पुलिस से बचाइए, बचाइए सर, बचाइए। इस निर्दोष ने ऐसा क्या किया है जो आप इसे गोली मार रहे हैं? इसने मेरी पुलिस की नौकरी पर काला धब्बा लगा दिया। तेरे चेहरे पे तो पहले से ही काला धब्बा है। बात उस समय की जब मैं इंस्पेक्टर था। अभी तो आप इंस्पेक्टर ही हैं। एक दिन एसीपी राउंड पर थे, उनकी जीप का टायर पंचर हो गया। उन्होंने स्टेपनी भेजने के लिए मुझे फोन किया। उस दिन ये नालायक पूछताछ के लिए स्टेशन आया हुआ था। मैंने इससे प्यार से कहा कि मेरे घर में एक स्टेपनी रखी है, उसे वहाँ पहुँचा दो। जानते हो उस कमीने ने क्या किया? मेरे घर पर जो मेरी पर्सनल स्टेपनी खाना बनाने के लिए मैंने रखी थी, उसे उसके घर पहुँचा दिया। उन्होंने मुझे फोन करके डांटा कि ये क्या स्टेपनी भेजी है। तो मैंने भी कहा कि सर आपने स्टेपनी मांगी, मैंने भिजवा दी। मुझे तो पता ही नहीं था ना कि ये क्या छोड़ के आया है। इसी बात पे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। उसके बाद अब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है। अब बताओ इसके कारण मेरी ड्यूटी पे काला दाग लगा कि नहीं? सर मुझे कुछ पूछना है सर। क्या है राजा? सर वो स्टेपनी इनके पास है या फिर एसी के पास है सर? अबे भाई, वो दारू क्यों पी रहे है पता है क्या? तुम्हारी धुलाई होने वाली है इसलिए जमकर पी रहे। क्या कहा? मेरी धुलाई करने वाले हैं? अरे तू बेवकूफ एक नंबर का, वो तुम्हें मेरा पार्टनर बना करना, तुम्हें भी अंदर करने वाले हैं मेरे साथ। मेरी समझ में नहीं आया, क्या तुम स्टैम्प छापते हो? अबे गधे, साफ साफ बताना यार। जाली नोट छापता हूँ। तुम तो गवर्नमेंट का काम कर रहे हो, फिर क्यों अंदर हो? मैं जो करता हूँ वही तो सरकार करती है। तुम नाटे जरूर हो लेकिन चालू बहुत हो। अरे ये सब छोड़ो यार, जो मैंने बिरयानी ऑर्डर की थी वो कहाँ है? सर उस अरुण को अभी फोन करता हूँ। हेलो, हैदराबादी बिरयानी साहब के लिए लाने को कहा था, क्या हुआ? ओ, क्या कह रहा है वो? सर उसने हम लोगों को बेवकूफ बना दिया। क्या बात कर रहे हो? सर वो कह रहा है कि वो ट्रेन में बैठा है और वो सुबह तक ही हैदराबाद पहुँचेगा, इसलिए हम लोगों को बेवकूफ बना दिया। उससे रामपुरी बिरयानी लाने के लिए कहा था तो रामपुर चला गया था, अब तुमने उसे हैदराबादी बिरयानी लाने को कहा तो वो हैदराबाद चला गया। पागल है क्या वो? मुझे बहुत भूख लगी है यार। मैं जाके लेके आऊं क्या सर? हाँ? मेरे दोस्त की बिरयानी की दुकान है सर, फोन करते ही वो लेके आ जाएगा सर। ऐसी बात है? अरे यार जल्दी से उसको फोन दो, वो बिरयानी ऑर्डर करेगा। ए भाई, ए भाई, मेरे लिए तंदूरी बिरयानी बोल देना। तेरे लिए 6 पीस ऑर्डर करता। बहुत शुक्रिया भाई, जल्दी करना यार। अरे मेरे लिए भी एक ऑर्डर कर देना। अरे जल्दी से कॉल कर उसको। सर बेकार में कॉल करके खर्च करने की क्या जरूरत है, कॉल करता हूँ वो कॉल करेगा ना। ए, अरे यार मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम जल्दी से फोन लगाओ ना उसको। पार्टनर पार्टनर, मेरे लिए भी एक मिस कॉल दे दो ना। मैं पहले ही दे चुका हूँ, और एक बार दे दो ना। तू चिंता मत कर यार। सर ये लीजिए चिप्स। क्या बार बार चिप्स लेके आ जाता है यार। हाँ? लगता है बिरयानी आ गई। अबे बिरयानी आ गई, जगह खाली कर, जगह खाली कर जल्दी। अरे यार चिकन बिरयानी देसी मुर्गी की मजा आ जाएगा यार, कसम से। क्या ये सब? अरे कोई मर्यादा है तुम लोगों की? तुम इंस्पेक्टर हो, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और तुम मुझे मिस्ड कॉल दे रहे हो। अरे एक दो नहीं पूरे 8 मिस्ड कॉल है तुम्हारे। मेरी पत्नी भी गालियां दे रही है तुझे। क्यों बे, सर को मिस कॉल किया था क्या तूने? सर इनका नाम क्या है? उत्तम कुमार। मेरे दोस्त का नाम भी उत्तम कुमार है सर। ए बकवास बनकर, तेरे दोस्त का नंबर मेरे फोन में कहाँ से आएगा? सर मैं भी तो यही सोच रहा था। ये भी खत्म कर देगा बॉस बनकर। कुछ तो खाने को। क्या ये है? क्यों शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे? ये कौन है? तूने गाड़ी झाड़ियों में क्यों खड़ी कर रखी थी? सर जब मैं राज नशा करता हूँ ना तो मुझे कोई डिस्टर्ब करे तो अच्छा नहीं लगता। क्या बक रहा है तू? चरस पीता है क्या? नहीं सर, उससे भी ज्यादा। अफीम? नहीं, उससे भी ज्यादा। है? क्या बक रहा है? साहब जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब क्यों नहीं देता? सर रात के 9 बजे के बाद आज मैं आपको भी राज नशे में डुबा दूंगा। ए भाई, मेरे लिए भी एक क्वार्टर मंगा देना। ये मोटा हर चीज में क्यों घुस रहा है, बेवकूफ कहीं का। सर क्या आप इस लड़के की बात सुन रहे हैं? ऐसे लड़कों का क्या भरोसा करना सर? ए, ये नशे की बात कर रहा है, कोई बड़ा मामला हुआ तो सभी मुसीबत में आ जाएंगे। समझदारी से काम लेंगे तो हम लोग बहुत ही आसानी से सब कुछ पता लगा सकते हैं। अगर हाथ से निकल गया तो
तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। हाय, दिस इज 104। आपके अपने कार्यक्रम 9 टू 10 में आपकी एंजल आपका स्वागत करती है। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर आपके पसंद के गाने सुनते हैं। आप जानना चाहेंगे वो कौन से गाने हैं? सरप्राइज। अच्छा, मैंने फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं लगाई ये पूछकर बार बार आप लोग मुझे तंग क्यों करते हैं? मेरी आवाज़ काफी है, इससे ज्यादा कोई मांग की तो मैं बंदूक निकाल लूंगी। क्या हुआ, डर गए क्या? डरने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग सुनिए ये धमाकेदार सॉन्ग। हमारे हीरो ने तो ये साबित कर दिया कि वो नाचने में माइकल जैक्सन से कोई कम नहीं है। अगर आप लोग हमारे हीरो के सीलिंग फैन है ना, तो मैं भी उनकी कोई हेलीकॉप्टर फैन से कम नहीं हूँ। तो इस विजयदशमी के अवसर पर हमारे हीरो ने तो कमाल ही कर दिया। सर, यही है मेरा राज नशा। आपके अफीम और चरस से भी ज्यादा नशा है इसकी आवाज में। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो इसकी आवाज पर और इसके बात करने के अंदाज पर अपना दिल दे बैठता। सही है ना पहाड़ सिंह? सही है, मैं तो बहुत पहले ही मदहोश हो गया सर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुप। अच्छा सुन, इस लड़की का प्रोग्राम तो रात को 9 बजे होता है, फिर तू वहाँ अकेले गाड़ी में शाम को 4 बजे से आखिर कर क्या रहा था? सर, उस लड़की के प्रोग्राम को मैं रिकॉर्ड करके सुनता हूँ सर। एक नंबर का पागल है ये। सर यही मेरा काम है सर। चल जाए यहाँ से, जाके कुछ काम कर अपना। चलता हूँ सर। सर सर, कन्हैया जी ने इसके खिलाफ रिपोर्ट की है सर, आपने इतनी आसानी से इसे कैसे छोड़ दिया? पहाड़ सिंह, अरे वो पुरानी बात हो गई। मुझे लगता है कि ये लड़का उस लड़की से वो क्या बोलते हैं, प्यार व्यार, प्यार व्यार करता है शायद। पापा, अंकल ने ना मुझे चॉकलेट दी। अच्छा, चॉकलेट दी तुम्हें? चलो चाचा जी को नमस्ते करो। नमस्ते चाचा जी। बैठ जाओ एंजल। माँ नहीं आई? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, एंजल से मिलने का बहुत मन कर रहा है उनका। अगर इसे एक दिन भेज देंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं भेज दूंगी। शादी के बाद हम अमेरिका सेटल हो जाएंगे, तुम्हें एतराज तो नहीं है ना? मौसी, फिर मुझे चॉकलेट कौन ला कर देगा? ए, उसके लिए मैं हूँ ना। अब बैठ पापा, आप ला कर नहीं देंगे। अच्छा, बताता हूँ बाद में। सबको ऐसे छोड़ के मैं यूएस कैसे जा सकती हूँ? अरे तो क्या हुआ, हम इन सबको साथ में लेकर चलेंगे ना। हम वहाँ चलेंगे तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा? डिस्टर्ब होने की बात ही क्या है। हाँ तो फिर ठीक है, हम सब चलेंगे वहाँ। अच्छा, ऑफिस में बहुत ही जरूरी काम है मुझे। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बाय। सुनो, एक काम करता हूँ, मैं भी इसके साथ जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, तुम बच्ची को संभालो। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास 1,000 रुपए के खुले हैं क्या? अरे मालिक। हेलो, मैं पांडे आईएएस। अरे सर नाराज क्यों हो रहे हैं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं आईएएस एकेडमी के पास में ही हूँ। आज 8 बजे की ट्रिप है कहा था ना, फिर क्यों नहीं आया? मालिक मुझे आज एक जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? गीतों की मल्लिका, मेरी एंजल, आज उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। अगर आधे घंटे में नहीं आया ना तो इस शहर में कहीं भी नहीं जा पाएगा। ठीक है मालिक, आ रहा हूँ मैं। इस मालिक ने ना कसम से मेरी जान खा रखी है। अरे बाप रे, बिल्ली, मुझे डर लगता है। आरती। हाँ माँ। सुनो, आज से दामाद जी की माँ भी तुम्हारी माँ जैसी है, तो जब भी उनसे मिलने जाओगी ना तो कुछ अच्छे फल खरीद के लेके जाना उनके लिए, भूलना मत समझी, और हो सके तो एप्पल लेकर जाना। उफो माँ, तुम मेरी माँ हो या सीरियल वाली माँ? अरे तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, गुस्सा क्यों हो रही हो? वापस आते समय हॉर्लिक्स लेकर आना। मेरे लिए एक फूल। कल ही तो मैंने फूल के लिए पैसे दिए थे। देश में पानी की कमी है, सब लोग पानी के लिए परेशान है, तो पानी क्यों बर्बाद किया जाए?
इसलिए कल बिना पानी मिलाए मैंने पूरी पी ली, बोतल खत्म हो गई। अरे ये कोई जवान लड़की से मांगने वाली चीज है क्या? सुनो, हम मर्दों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लड़कियों को फटाक से मिल जाती है। दाल इतनी पतली क्यों बनाई है? तुम्हें पानी की अहमियत नहीं पता क्या? रात भर दारू पीते हो, सुबह उठते हो और ठूस ठूस कर खाते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम है? दीदी क्या हुआ? देखो ना ये गुड़िया मुझसे बात नहीं कर रही। अच्छा ऐसी बात है क्या? ओके मैं शाम को तुम्हारे लिए बैटरी लेकर आऊंगी, ठीक है? कौन है? आरती मैडम के लिए गाड़ी आई है। ड्राइवर रुको। बाय बाय। ड्राइवर गाड़ी निकालो। मैडम, आप बुरा ना माने तो आपके लिए दूसरी गाड़ी बुक कर दूं। इस गाड़ी से सुअर टकरा गया था। क्यों लेकिन? सुअर के टकराने की वजह से बहुत दिक्कत हुई। सुअर से टकराने की वजह से गाड़ी डैमेज हो गई? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ मैडम, सुअर परलोक सिधार गया। इसका मतलब है कि सुअर का टाइम ठीक नहीं था। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी बकवास करते रहते हो। गाड़ी निकालो। तू ऐसे मेरी बात नहीं मानने वाली है, गाड़ी में बैठ बताता हूँ। मुझे आज मेरी एंजल से नहीं मिलने दिया, अब देखना तुझे कैसे गाड़ी से उतारता हूँ और भाग जाता हूँ। ड्राइवर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर आप क्या कर लेंगी? मैं एक जवान लड़की हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई तो किसके नाम पे शिकायत कराऊंगी? नाम तो पता होना चाहिए ना? अगर आप इस तरह की बातें करेंगी तो हम तो उल्टा जवाब देंगे। मेरी एंजल से मिलने नहीं दिया और मुझसे मेरा नाम पूछ रही है। अरे मैंने बस तुम्हारा नाम ही तो पूछा था, इसके लिए इतना नाराज क्यों हो गए? अगर मेरा मूड अच्छा होता ना तो मैं आपको पूरा नाम बताता, अभी मेरा मूड खराब है इसलिए आधा नाम बताऊंगा, आपको उसी में खुश होना पड़ेगा। और अगर गुस्से में हो तो? मैडम मेरा नाम रवि है। तो मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? रवि। ओह इसका मतलब है बड़े गुस्से में हो। अच्छा ये बताओ कहाँ तक पढ़े हो तुम? चार यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ मैं। चारों यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा पढ़े थे क्या? इतना पढ़ लिख के तुम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? पढ़ लिख कर तो आप भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हैं। पर कैसे? ऐसे। अरे रे। क्या रे ये सड़क क्या तेरे बाप का लगता है? सॉरी दीदी गलती हो गई मुझसे, क्लच दबाने की जगह मैंने ब्रेक दबा दिया। अच्छा तो तू हमेशा ऐसा गाड़ी चलाता है, बेवकूफ। दीदी माफी मांग रहा हूँ मैं आपसे, अपने भाई को ऐसे कोई डांटता है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। दीदी ये बताइए गाड़ी चलाते समय तो हेलमेट पहनते हैं ना, लेकिन आपने हेलमेट की जगह तो ये फूल पहन रखा है। अरे दिन मेरा पति बाहर से फूल लाता मेरे सर में लगाता, वो सब भूल सकता लेकिन ये नहीं भूल सकता, बहुत प्यार करता वो मेरे से और मैं भी बहुत प्यार करती है। हाँ। दीदी आपके पति आपके लिए इतना फूल ला रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर क्या है? क्या पता वो फूल वाली उन्हें पसंद आ गई। ये तुम क्या बोलता है? कमीने ने इसके परिवार में आग लगा दी। बात तो सही बोला, तभी तो वो रोज रात में देर आता है, आज इसकी खैर नहीं। चॉकलेट खा रही है, अब देखना मैडम मैं क्या करता हूँ। ओए तुम्हें सामने देख के गाड़ी चलानी नहीं आती? अरे नहीं आती ना। नहीं आती? बोला तो नहीं आती। कैसे हो गया? अरे ये अरे क्या किसने किया ऐसा? हो गया? अरे चलो हटो, लटका होगा, हटो 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 सबको, हटो हटो सबको। सबसे पहले इसे क्या लगा रखा है? पार सिंह कुछ पता चला क्या? सर देखने से तो आत्महत्या ही लग रही है सर। ये आत्महत्या नहीं है पार सिंह, ये हत्या है और किसी ने मार कर इसे लटका दिया है। वो डीसी आने वाला होगा, अभी आते ही मेरी जान खा जाएगा। कहा था ना आ गई मुसीबत।
पता चला कौन है? सर ये एक बिजनेसमैन है, वेंकट नाम है, दूध का कारोबार है इसका। अच्छा सुसाइड है क्या? सर सुसाइड नहीं है सर, मर्डर है, किसी ने मारकर लटकाया है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये मर्डर है? सर मैंने अच्छी तरह से जांच की है, ये आदमी सुसाइड कर ही नहीं सकता है सर, क्योंकि अगले महीने इसकी बेटी की शादी है। सर आपकी परमिशन हो तो ये केस मैं हैंडल करूं? ये पहले भी कई महत्वपूर्ण केस हैंडल कर चुके हैं। मैं जानता हूं सर। इसे भी इन्हें ही हैंडल करने। मिस्टर विश्वा आप परेशान मत होइए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब देखा क्या हुआ, कमिश्नर ने केस मुझे सौंप दिया। देखिए आप एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, अगर ये केस मैंने आपको सौंपा तो आप उसे खत्म कर देंगे सर, फिर कोई सबूत नहीं मिलेगा। I'm sorry, sir. आप निश्चिंत रहिए मैं आपको दूसरा केस दूंगा। ठीक है सर चलता हूँ। बॉडी नीचे उतार कर आगे की कार्रवाई करो। ड्राइवर एसी चालू करो। क्या बात है एसी काम नहीं कर रहा है क्या? सुबह जब मैं आपको लेने गया था तब तो ये ठीक से काम कर रहा था। तो अब क्या हो गया? अब मुझे क्या पता क्यों नहीं काम कर रहा। तुम बस बातें बनाना जानते हो। अब इसमें मैं क्या करूं मैडम, ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। स्टूपिड, क्या बकवास करता रहता है हमेशा। मोटी वस्तु देखती रहे, आगे आगे मैं क्या करता हूं तेरे साथ। तुझे इस गाड़ी से भगाया नहीं तो मेरा नाम भी रवि नहीं है। अब देख तू। चलो रेडियो ऑन करो। अरे आप चिल्ला क्यों रही हैं? गाना बंद करने को कहा था, गाड़ी क्यों रोकी? एक मिनट के लिए मैं डर ही गया था कि आपको हो क्या गया है। दूसरा स्टेशन लगाओ। कौन सा स्टेशन लगाऊं? पुलिस स्टेशन के अलावा भी कोई स्टेशन लगा दो। ठीक है मैडम रेलवे स्टेशन लगाता हूँ। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारे राज्य के सभी मछुआरों को छुड़ाने के लिए विशेष बैठक बुलवाई है। पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी उसी तरह एक शव हैमिल्टन ब्रिज के पास लटका मिला है जिसकी हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि वो शव ऐसे लोगों के लिए ना कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, पकड़ते ही गोली मार देनी चाहिए। इडियट्स, खूनी को डांटने के बहाने आप मुझे डांट रही है ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, मुझे शीशे में सब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा इसका मतलब है तुम रोड देखकर नहीं चला रहे हो, मुझे देखकर चला रहे हो है ना? मैडम मैं आपको किसी बुरी नजर से नहीं देख रहा हूँ। अच्छा बकवास करना बंद करो और आगे देखकर गाड़ी चलाओ। एक सेब ले रहा हूँ। ठीक है। ओह गॉड, लगता है आज मैं नहीं पहुंचूंगी। ये क्या भैया, सेब के साथ साथ सिगरेट पी रहे हैं? ये जहर और ये दवा, जहर के साथ दवा लेके सारी चीजें बैलेंस कर रहा हूँ। भैया ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है, सिगरेट पीने वाले सब लोगों से कहूंगा। सेब खाने वालों से ये भी कहना। अच्छा एक फोन करता हूँ। ठीक है भैया। किस कामचोर से पाला पड़ गया। ये
ये लो भैया बाकी के पैसे। अरे तुम सेब खा लेना यार। कमी ना मुझसे भी सिगरेट पीने के लिए कह रहा है। छे, तुम्हें शर्म वरम नहीं है क्या? सिगरेट और फोन करने के लिए तुम्हें यही टाइम मिला था? तुम्हें पता है मैं कितनी जरूरी काम से जा रही हूँ? मुझे भी एक जरूरी काम है, इसीलिए मैं फोन करने गया था। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? अभी थोड़ी देर पहले तुमने उस खूनी को डांटा था ना, मैं उसे जानता हूँ, इसीलिए कमिश्नर को फोन करने के लिए गया था। अब क्या नई कहानी सुना रहे हो? पुलिस को सब बता दिया? मैं पागल थोड़ी ना हूँ, जो खूनी का पता बताऊंगा वो तो जाके उसे पकड़ लेंगे, मुझे क्या मिलेगा बाबा जी का टुल्लू? जब मुझे 1,00,000 रुपए मिलेगा तभी उसका पता बताऊंगा। कमिश्नर के सामने मैंने शर्त रखी है कि पैसे मिलने के बाद पता बताऊंगा। तुम सच में बेवकूफ हो, पुलिस के साथ खेल खेल रहे हो? अब तक तो तुम्हारा नंबर ट्रेस करके तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया होगा उन लोगों ने, अब जेल की चक्की पीसना कंफर्म। मुझे एक छोटा सा डाउट है। क्या है? अगर मैं फंसा तो पुलिस के पास, मैं अकेला नहीं, आप भी फंसेंगी, आपको भी मेरे साथ गवाही देनी होगी। लॉकअप में हम दोनों एक साथ जेल की चक्की पीसेंगे। लगता है सुबह नाश्ता नहीं किया इसीलिए नाखून चबा रही है। क्या पहाड़ सिंह, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि कमिश्नर सर को फोन करके पैसे मांग रहा है? हम खुद भीख मांगते, वो हम पुलिस वालों से भीख मांग रहा है। पता नहीं ने एसी से डीसी कौन बना दिया। मतलब 4 छोटे मोटे गुंडों का एनकाउंटर क्या कर दिया? डिपार्टमेंट वाले गले में हार पहना कर इन्हें डीसी बना दिए। पिस्तौल तो आपके पास भी है, उसमें गोली भी है। अरे आप भी दो लोगों को गोली मार दीजिए, आप भी हीरो बन जाएंगे। सर जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का सवाल है, अगर कुछ कर्तव्य नहीं दिखाएंगे तो अगले लेवल पर जाना मुश्किल हो जाएगा सर। आपके लिए कौन सा नारियल पानी ले आऊं? उसको पता है वो ले आएगा, तुम अपना काम करो। दीदी ये क्या है? नारियल पानी आपको नहीं पता? मुझे पता है ये नारियल है, लेकिन ये 2 स्ट्रोक इसलिए। आप और जीजा जी दोनों साथ पियेंगे ना? क्या कहा जीजा जी? तुम्हें किसने कहा वो जीजा है? इतने से हो और बकवास कर रहे हो। वो भी तो पी रहे हैं, देखिए। वैसे तो सब 2 स्ट्रॉ डालकर पीते हैं, आपको चाहिए तो मैं 3 स्ट्रॉ डालकर देता हूँ। भाग यहाँ से। पता नहीं शादी के बाद ये कैसे पति को संभालेगी। जाओ अपना काम करो। ये हमेशा नशे में रहती है ऐसा लगता है। सर नमस्ते सर, चाय या कॉफी लेंगे? ए, इस दुकान का मालिक कौन है? कल 9 बजे के करीब यहाँ से किसी ने फोन किया था क्या? हाँ किया था सर, खून और किसी खूनी के बारे में बात कर रहा था। सर सख्त से ये लीजिए, इसी बात पर मिठाई खाइए। गधो, इंक्वायरी करने के लिए बोला था या टाइम वेस्ट कर रहे हो? ए किधर गया है वो? वो करतारपुर की तरफ गया था सर। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज हम उसे बिना पकड़े नहीं रहेंगे। तुम लोग कुछ भी करो लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। अबे तू कौन है और यहाँ गाड़ी में कैसे आया? यहाँ कैसे आया मतलब? अरे टिकट खरीद के बस में नहीं बैठूंगा तो क्या हवाई जहाज में बैठूंगा मैं? पहले गाड़ी रोक कर इसे नीचे उतारो। कहीं भी जाता हूँ एक आध पनौती ऐसी मेरे गले पड़ी जाती है। चल मैं उतर। अबे टिकट खरीद लिया मैंने, क्या उतार है मुझे तू? नीचे उतर। पहले मुझे बाकी के पैसे वापस देना तो पुलिस के पास जाऊंगा। तो फिर क्या ये तुम्हें वॉचमैन लगते हैं? गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उतर नीचे नहीं तो मारूंगा। अभी क्या कर रहे हो? अरे मैं पुलिस को बता दूंगा। इससे डील करने का तरीका ही अलग है। उसके कान में ऐसा क्या बोला कि भागने लगा वो? मैंने बस यही कहा कि कल शराब की दुकान बंद है, स्टॉक खरीदने के लिए दौड़ पड़ा वो।
तीन घंटे में पहुंच जाते हैं। दो घंटे हो चुके हैं और अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ। पता नहीं और कितनी देर लगेगी। बेटा रवि, तेरी तरकीब काम आ रही है। जी मैं आ रहा हूँ, उतर के भाग के जाऊँ। हे, सामने होटल है, जरा गाड़ी रोकना वहाँ। लगता है यहाँ कुछ खाने के लिए रुक रही है, सही टाइम है खिसकने का। एसी नहीं है क्या यहाँ पे? खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है, स्टाइल तो देखो जरा। मैम, हमारे पास फैमिली रूम है। किस लिए? मुझे लगा नई शादी हुई है तो प्राइवेसी रहेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर मेनू कार्ड लेकर आओ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? पहले जाकर यूनिफॉर्म पहन कर आओ। ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो, समझे? एसी सर, ये आपके लिए लकी चांस है। उस डीसी ने आपको कितना परेशान किया है, आप भी एनकाउंटर करके प्रमोशन लेने के बारे में सोचिए सर। सर, आप उस आदमी की नौकरी खतरे में क्यों डाल रहे हैं? तभी तो मैं उनकी जगह लूंगा ना बे। आपकी जगह मैं जाऊंगा ना सर। क्या? ड्राइवर है? सॉरी मैम, मुझे लगा आपके पति हैं, बुरा मत मानिएगा। थैंक यू मैम। जिसकी जो ड्रेस है ना, उसे वही पहननी चाहिए, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। जल्दी सिखा कर आओ, वैसे ही बहुत लेट हो गए। अच्छा बेटा, आज तुम्हें करतारपुर तक पद यात्रा करके जाना होगा। रवि सोच क्या रहा है, चुपचाप यहाँ से निकल लेना यार। हेलो। ए, ये क्या मर्दों की आवाज में बात कर रही है? मर्द मर्द की आवाज में तो बात करेगा ना। अच्छा, ड्राइवर हो? एंजल कहाँ है? वो वॉशरूम गई हुई है। आए तो कहना, एफएम स्टूडियो से कॉल किया था। मैडम, आप एफएम स्टूडियो में काम करती हैं? फिर तो आप आरजे एंजल को भी जानती होंगी ना। तुम्हारे साथ जो है वही है एफएम एंजल। आरती। हेलो, हेलो। आरती, ये एंजल है। शे, मैं अपने ही प्यार को सता रहा था, ये ऊपर वाले। सर, आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है बे? मैं तो करतारपुर जा रहा हूँ सर, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, अब तो इसकी खैर नहीं। किसका सर? वो जो खून हुआ था ना, उसके बारे में जानकारी है, ये कहकर किसी ने कमिश्नर को फोन किया था। अच्छा, तो ये बात है सर। क्या ये बात है, ये बात है? और संत जी हमारी जान खा रहे हैं यार। सर, आपकी परमिशन हो तो ये केस मैं हैंडल करूं। कितना खतरनाक आदमी होगा वो? बहुत खतरनाक आदमी लगता है सर। इसीलिए तो उसे खत्म करने के इरादे से अपने घर का सारा काम छोड़कर हमारे एसी साहब घूम रहे हैं। सर, मेरा कस्टमर वेट कर रहा है सर, मैं जा रहा हूँ सर। आप क्लास ऊपर क्यों किए? मैडम, एसी चालू किया है। तुमने तो कहा था कि एसी काम नहीं कर रहा। वो तो तभी कहा था, अभी काम कर रहा है ना। मैडम, एसी का कूलिंग तो ठीक है ना? पहुंच गई क्या? तुम लोगों ने कैसी बकवास गाड़ी भेजी है, और ड्राइवर एकदम पकाओ टाइप का है। पता है कितनी मुसीबत में हूँ? दूसरी टैक्सी ले लेने की। ये तो आधा पागल है, और दूसरा पूरा पागल हुआ तो? थोड़ी देर पहले ही तो बात की थी, ठीक से बात कर रहा था। 9 to 10 कार्यक्रम की तुम ही है। पहुंच जाऊंगी। तुम्हें डिसेंसी क्या होती है पता है? दूसरों का फोन क्यों अटेंड करते हो? आपने तो मुझे अभी लफंगा कहा था ना। ये कहा कि शराफत है, आपने मुझे लफंगा कहा,
मैडम ये बहुत बुरी बात है, गुस्से में भी आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्या गुस्से में? ऐसा नहीं तो और क्या कहूंगी। मैं भी आपसे नाराज था मैडम, लेकिन गुस्से में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। गुस्से में थे, मुझसे तुम्हारी नाराजगी क्यों? वो एक लंबी प्रेम कहानी है मैडम। मैं आपसे मिलने के लिए अपनी बाइक से एफएम सेंटर जा रहा था, तभी मेरे मालिक का फोन आया। उन्होंने बोला कि एक सवारी है जिसे मुझे छोड़ने जाना है। गुस्सा इस बात का था कि मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, और उसी गुस्से की वजह से मैं आपको टॉर्चर किए जा रहा था। सॉरी मैडम। तुम मेरे फैन हो? नहीं, उससे भी ज्यादा मैडम। ये आपके रिश्तेदार का घर है क्या मैडम? नहीं, दुश्मन का घर है। अच्छा फैन है। रवि, तेरी कन्या राशि काम करने लग गई है। हाय एंजल। हाय। What happened? तुम्हें आने में यहाँ 3 घंटे लग गए। क्या बात क्या है? इस सब का कारण वो टैक्सी ड्राइवर है। उसने कोई प्रॉब्लम की क्या? ए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बकवास कर रहा था। अच्छा ठीक है। यहाँ ड्रेसिंग रूम है क्या? क्यों, ऐसे कपड़ों में माजी से कैसे मिलूंगी? तो मैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लेती हूँ। लगता है अपनी होने वाली सास को पटा रही हो। मुझे तुम्हारी अदा बहुत पसंद है। जय हो कार्तिकेय भगवान की। कार्तिक जी का नहीं, शिव जी का मंदिर है। बेटे बाप में क्यों झगड़ा लगा रहे हो? भगवान आपस में नहीं लड़ते, वो हम जैसे इंसान लड़ते हैं। चलिए जाइए ना। आओ जाकर अपना काम करो। माँ आओ। बेटी आओ। नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमसे मिलने का मन कर रहा था। अरे आप यहाँ अकेले क्यों हैं? मेरे साथ चलिए ना, मैं आपकी देखभाल करूँगी। देखा तूने मेरी बहू को? मुझसे कितना ज्यादा प्यार है। वो तो देख ही रहा हूँ। वैसे बाद में तुम लोग दोनों सीरियल देखोगे, उसके बाद इसके हाथ में चाकू होगा और तुम्हारे हाथ में चम्मच होगा, और मैं भूखा बैठा रहूँगा। ठीक है तो मैं अब चलती हूँ माँ। एफएम पर आज मेरा प्रोग्राम आने वाला है। अच्छा बेटा, सदा सुखी रहो। प्रणाम माँ। सुनो जाओ इसे छोड़ा। ठीक है माँ, छोड़ कर आता हूँ। चलती हूँ माँ। ठीक। ए, शादी तो शहर में ही करें। नो नो नो, शादी तो यहीं पर होगी, लेकिन रिसेप्शन यूएस में होगा। तुम्हें पता है यूएस मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, शादी के बाद हम यूएस के कौन से स्टेट में रहेंगे? न्यूयॉर्क में। विकास, तुमने शादी की डेट फिक्स कर दी? अरे वो सब देखने के लिए घर के बड़े लोग है ना। जल्दी से डेट फिक्स करो ना। ठीक है, तुम्हें बहुत जल्दी है। रवि, मैं इनसे शादी करने वाली हूँ, ये यूएस में रहते हैं। तुम्हारी तरह ये भी मेरे बहुत बड़े फैन हैं। नमस्ते सर। मैडम, मेरी ड्राइविंग तो आपको अच्छी लग रही है ना? अच्छा ये बताइए, मैं यूनिफॉर्म में या फिर सादे कपड़ों में ज्यादा अच्छा लगता हूँ? अगर मुझसे थोड़ी देर कोई बात कर लेना तो उससे मेरा लगाव हो जाता है। आप मेरी इतनी बढ़ाई कर रही हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है मैडम। मुझे आपसे कुछ कहना है मैडम। अरे वो सब छोड़ो, तुम्हें मेरे होने वाले पति कैसे लगे? दिखने में कैसे हैं? सच कहूँ तो आपके पति बहुत खूबसूरत हैं। थैंक्स। लेकिन आप शादी करने वाली हैं, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। सच कह रहा हूँ मैडम, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। स्टॉप द कार। क्या हुआ मैडम? आई सेड स्टॉप द कार। क्या हुआ? मेरी बात तो सुनिए मैडम, मेरी बात तो सुनिए मैडम। तुम एक नंबर के साइको हो। अरे सुनिए तो। अरे मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं।
कोई किसी से कम नहीं होता। मारिए सर, छोड़ दीजिए और मारिए सर, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, बस करो, क्यों मार रहे हो? ये बताओ मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? सर, इसी कमीने ने पुलिस कमिश्नर को फोन करके पैसे मांगे थे। ये देखिए सर, ठीक वैसा ही शर्ट है जैसे उसने पहन रखा था। कमीने, पुलिस के साथ ही गुंडागर्दी करता है? तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं, आज से ही एनकाउंटर शुरू करता हूँ। सर पिस्तौल दिखा रहे, मैं बड़े भैया सुभाष से बोल दूंगा। अरे किस सुभाष की बात कर रहा है? तेरा भाई क्या बहुत बड़ा तीस मार खान है क्या? अरे हम पुलिस वाले हैं। आप उन्हें नहीं जानते सर, बड़े बड़ों की बैंड बजा देते हैं। तेरा भाई टीवी सीरियल्स में डायलॉग लिखता है क्या? नहीं, मेरे भैया डिप्टी कमिश्नर है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इसका मतलब सच में ही उसका भाई है। इस टकले एसी का तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ए, उनका नाम तो विश्वनाथ है। वो तो सर्टिफिकेट का नाम है सर, घर में सब उन्हें सुभाष चंद्र कहते हैं। अरे उनका नाम सुभाष चंद्र रखने से अच्छा पनौती रखना था। तुम लोगों की बातों से दिमाग खराब हो गया है मेरा। Useless fellow. सर, 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 वो मुझे गोली मार देंगे सर। ये क्या बात है एंजल, कौन है, किसकी बात कर रहे हो? वहाँ देखिए जीजा जी। क्या वो चश्मे वाला? दो दिनों से मेरा पीछा कर रहा है और आज तो घर तक पहुँच गया। यहाँ खड़े होकर चिल्लाइए मत, वहाँ जाकर आप क्या करेंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन आज के बाद वो मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। मैं इसके आगे और कुछ नहीं जानती। मुझे बता दिया ना, अब तुम अंदर जाओ, मैं संभालूंगा उसे, जाओ अंदर। ए, मैं हाफ बोतल छुए बिना पी जाता हूँ। कौन है बेटू, खाली ग्राउंड में चश्मा लगा कर क्यों बैठा है? क्या रे, मेरे साली से प्यार करता है? हट जरा, हट ना, बैठने दे। अरे मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ रे, उनका साथ देता हूँ। बस मेरे अंदर थोड़ा सा डीजल डाल दे, फिर गाड़ी चला ना। मेरे हाथ में 1000 रुपए रख दो, मैं वहां चला जाऊंगा, तुम अंदर चले जाना। उसका जीजा हूँ, उसकी बड़ी बहन है ना, उसका पति हूँ। कपड़े इतने अच्छे पहने हुए और पैसे मांगे तो धक्का देके भाग गया। एंजल, तुम इस दुनिया में सभी लड़कों को अपनी जीजा की तरह देखती हो, इसीलिए सब तुम्हें बुरे लगते हैं। अब यहाँ से तुम जाते हो या नहीं? तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? जैसा तुम समझ रही हो वैसा आदमी मैं नहीं हूँ। यू प्लीज गेट लॉस्ट। बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ ऐसा कोई केस हुआ। सही कह रहे हैं मिस्टर विश्वा, इसीलिए मैंने अभी तक तुम्हें कोई दूसरा केस नहीं दिया है। थैंक यू सर, लेकिन राजनेताओं का दखल? ये तो होगा ही, कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें पूरी छूट दे रहा हूँ। Once again, thank you, sir. इस सिलसिले में पहले ही मुझे 3 शिकायतें मिल चुकी हैं। अगले 24 घंटे में आपको इस केस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। हेलो, उत्तम सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए उत्तम सिंह जी। सर, मुझे इस केस से संबंधित कुछ सुराग मिले हैं। मुजरिम को पकड़ लिया? अभी तो नहीं सर, लेकिन जल्दी पकड़ दूंगा। अगले 2 घंटे में उसे पकड़कर आपके सामने हाजिर करता हूं। तो फिर जल्दी लेके आइए, आपका प्रमोशन कर दूंगा। जब देखो ऐसी बेकार की बातें करता रहता है, ये क्या एनकाउंटर करेगा? मैं जा सकता हूं सर? ओके सर। मार रहे वो तो ठीक है, लेकिन बार बार ये क्यों पूछ रहे हो कि भागना बंद करेगा कि नहीं, भागना बंद करेगा कि नहीं? है सर, इसके बारे में बता बता के मैं आधा हो गया हूँ सर। सर आपके लिए एक गुड न्यूज है। ए, तुझे अकल नहीं है? दो बड़े अधिकारी बात कर रहे हैं और तू बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। कांस्टेबल, इसे 2 दिन के लिए सस्पेंड करो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता रे? क्योंकि आपका सस्पेंशन आया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। सर मुझे बचा लीजिए सर। मैं यही कहने के लिए आया था कि तुम्हें होशियार रहना होगा।
लेकिन वो डीसी हमसे आगे निकल गया। स्काउंडरल इडियट, क्या किया ये तूने? तेरी हिम्मत कैसे भी है? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। क्या किया? तुझे पता नहीं है इसने क्या किया है? क्या किया इसने? कल रात ये मेरे घर आया, तब बिजली नहीं थी और इसने मुझे कस के पकड़ के मेरे साथ कुछ गड़बड़ की, ऐसा कह रहा है ये मुझसे। कल रात तो तुम यहाँ एफएम स्टूडियो में थी ना, फिर इसने गड़बड़ किसके साथ की? इसकी बहन के साथ। और वो भी चुपचाप ये सब करती रही। तुम दोनों का ना ये रोज का किस्सा हो गया है। चलो हम सब अपना काम करते हैं। सॉरी श्वेता, आज के बाद तुम घर पर रहोगी तभी मैं आऊंगा, लेकिन बिजली चली गई तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। तेरी तो क्या है? मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कौन हो तुम? मैं तुमसे बात क्यों करूं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। गलती को माफ किया जा सकता है लेकिन पागलपन की कोई माफी नहीं होती। ठीक है, आप मेरी बात मत सुनिए, लेकिन मैंने अपने दिल की बात इस लेटर में लिख दी है। आप ये लेटर, तुम्हारी बेइज्जती हो इससे पहले यहाँ से चले जाओ। तुम अगर और आगे जाते तो मारे जाते। कौन है वो लोग? पूरन कुमार के आदमी है वो। इतने बुरे लोग हैं? पैसों के लिए बच्चों को भी मार देते हैं। Cheers! देखा उसे कैसे खत्म कर दिया। हम पूरन कुमार के भाई हैं। भैया कोई आ रहा है देखिए। कौन है तू? पैसों के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो ना? बिना पैसों का भी करते हैं। ए, मारे साले को। जो एक लड़की के चेहरे पे एसिड डालना है, जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा मैं। ठीक है, पहले बियर पी। ये नहीं पीता, सिर्फ ब्रांडी पीता हूँ। ओ, लगता है अपने से बड़ा आदमी है। सही सही बता, इसी रास्ते से आती है ना? इसी रास्ते से आती है। ए, सब तैयार है ना भाई? आप चिंता मत कीजिए, हम तैयार हैं। भाई मुझे तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? हमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, तुम्हारे बारे में नहीं बोल सकता। ए, सामान तैयार कर बे। अभी करता हूँ भाई। ए, इधर ला। ये लो भाई, ये लो। लो। वो इसी रास्ते से जाती है। हेलो, मैं एंजल की दीदी बात कर रही हूँ। अरे क्या हुआ, आपकी आवाज में इतनी घबराहट क्यों है? एंजल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? उसके ऊपर एसिड डाल दिया है। इस वक्त उसकी तबीयत कैसी है? उसकी जान को खतरा है, जितनी जल्दी। किस हॉस्पिटल में है? सूर्या हॉस्पिटल। जल्दी आ जाइए, 2 लाख रुपए जमा करने हैं। ओह गॉड, पैसे तो मैं अभी नहीं निकाल पाऊंगा। आपकी माँ के पास पैसे हो? यहाँ से वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे। यहाँ ऑपरेशन खत्म होने में 4 घंटे लगेंगे, आप तब तक आ जाइए। ठीक है।
ये क्या है सर? हर केस में मेरी मदद करने वाले इंस्पेक्टर पहाड़ सिंह को जानबूझकर सस्पेंड कराकर आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं सर, और अब मुझसे टकराकर अपनी मसल पावर दिखा रहे हैं मुझे। तहकीकात करने के लिए ईमानदारी की जरूरत होती है। तुमने जो हाथी पाला है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अभी अभी मुझे कमिश्नर ने एक केस दिया है, देखना कैसे फिनिश करता हूँ। जल्दी ही मैं मुजरिम को खत्म कर दूंगा और ये मेरा 11वां एनकाउंटर होगा। तुम जैसे लोग कभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। तुम जाके मंदिर का घंटा बजाओ, ओके? पता नहीं इस पनौती से कब छुटकारा मिलेगा। आंटी, 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 अरे क्या? अरे मेरे दामाद को जान से मार दिया इसने। मैं जिंदा हूँ। ए अमेरिका, चुप रहे ना, नशे में मैं हूँ और तू मुझ पे गिर रहा है। सुनो भाई, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन सास और दामाद को एक रस्सी से बांध कर रखना हमारी संस्कृति झूठा है। मुझे बस एक क्वार्टर दे दो, मैं संस्कृति की रक्षा कर लूंगा। क्या कहा? एक क्वार्टर? भाई मैं बहुत शर्माता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या टच हो रहा है। बस एक क्वार्टर पिला दो तो सीधा खड़ा रहूंगा। पूरा परिवार कैलाश जाने वाला है और तेरा पति क्वार्टर मांग रहा है। तुमने ही तो शादी कराई थी ना, उसकी गर्दन लटक रही है, वो जिंदा है कि नहीं देखो। कब से तुम्हारे कदमों में पड़ा हुआ हूँ, कभी मेरा सिर उठाया या बालों में प्यार से हाथ फेरा? आज इतनी चिंता क्यों हो रही है? अमेरिकी डॉलर की वजह से? ए, ये देख अमेरिका मेरे ऊपर लटका हुआ है। चुप रहने को बोला, समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक्स, वो किस लिए? शराब है ना, मेरी एनर्जी है और इसको एलर्जी है, पास ही नहीं आने देती। स्वागरात के बाद से पहली बार इतना पास खड़ा हुआ हूँ इसके। इतना रोमांटिक मौका देने के लिए थैंक्स ब्रदर। पता नहीं मेरे दामाद को क्या हो गया है। आरती का एक्सीडेंट हो गया है, अब जल्दी आ जाइए। चाकू दिखाते ही एक्टिंग की महारथी हो गई तुम। देखो बेटा, पता नहीं मेरे दामाद को क्या हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें मत मारो। अगर तुम्हारा दामाद मर गया होता तो उसी समय उसकी अर्थी सजा देता, इस तरह से उसे बांध के नहीं रखता मैं। ब्रदर, 5-स्टार होटल में शराब पीने वाला करोड़पति और बार में पीने वाला भिखारी होता है। मेरी बात सुनो, चाकू की तरह मेरा दिमाग भी बहुत तेज है। अगर तुम लोग ठीक से नहीं रहोगे तो ये तुम्हें ठीक कर देगी। एए, 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 सोने का नाटक कर रहा है ये, अब देख मैं तुझे कैसे उठाता हूं। अरे, इतनी जल्दी आंख कैसे खुल गई तेरी? वो लोग कहते हैं ना, बाप का हाथ अकल दिखाता है, माँ का हाथ प्यार और दोस्तों का हाथ रास्ता दिखाता है, और प्रेमिका का हाथ टाटा। बीवी का हाथ? हाँ, चप्पल दिखाता है। नहीं, मैं लड़कियों के बारे में गलत नहीं बोलूंगा, वो मंदिर की देवी की तरह होती है, उनके अंदर जहर भरने वाला कोई और नहीं तुम लोग होते हो। तुम जैसे लड़के लड़कियों को अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाने के सपने दिखा के शादी कर लेते हैं। वहाँ जाके कितनी लड़कियाँ बीवी बन के रह रही है, आधी से ज्यादा तो तुम्हारी रखैल हो चुकी है। आपका कार्यक्रम, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पसंद के गाने जिन्हें सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत जल्द ही मेरी शादी होने वाली है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं शादी करने वाली हूँ। और हाँ, आपको एक बात और बता दूँ कि मेरे जो होने वाले हैं ना, वो बहुत ही प्यारे हैं। और इसीलिए मैं उनसे शादी करने वाली हूँ। हाँ, मेरी शादी बहुत जल्दी। स्टेटस बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। और वो पता नहीं कब तक साथ रहेगा। ये सब तो चलता रहेगा, मुझे मेरा राजा मिल गया और आप सबको भी आपकी रानी। साडू साहब, मुझे लगता है उसका इरादा बदल रहा है। हो सकता है। तुम एक काम करो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अगर वो मारेगा ना तो ज्यादा दर्द नहीं होगा। बनाइए और फिर देखिए। अरे क्या कर रहे हो? अरे मत मारो मुझे। अमेरिका मारो। देख तुझे कैसे मैं अफ्रीका का बंदर बनाता हूँ। और हाँ, बस इतना ही नहीं, मेरे होने वाले वो ऋतिक रोशन की तरह सुपर हैंडसम और हॉट है।
उनके सामने इसने कभी ऋतिक रोशन को देखा भी होगा जो ऋतिक रोशन बना रही है इसे। कहो ना प्यार में जो हीरो था वही ना। मैं अपनी खुशी आपके साथ बांट रही हूँ बस। और पता है मेरी शादी कौन करा रहा है? मेरे प्यारे जीजा जी, मेरी बहन के हस्बैंड। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा। अगर ढीला रखा ना तो दर्द होगा। टाइट बदन और ये जी कि आप मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता लेके आए हैं। मत मारना भैया, मत मारना हमें। अगर मारूंगा तो मैं मारती हूँ तो पैंट गीली होती है, तुम मारोगे तो पैंट खराब हो जाएगा भाई। मुझ पे दया करो। अब आप सब अपनी एंजल को दुआ दीजिए और सुनिए आपके जीजा जी का फेवरेट गाना। Angel, save me! I am here. अब क्या करें? यहाँ से बात करेगा तो एंजल को कैसे सुनाई देगा? स्पीकर को देखकर क्यों बात कर रहे हो? मिस्टर उत्तम कुमार, देखने से तो कोई फिल्मी कहानी लगती है। उसने पूरन कुमार के गुंडों को एक साथ खत्म कर दिया। पूरन कुमार का तो बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। ऊपर से बहुत प्रेशर है। आप एक काम कीजिए, जितने भी केस आप हैंडल कर रहे हैं उसे विश्वा को सौंप दीजिए। आई एम सॉरी सर, आपने मुझे जो केस दिया था वो फाइनल स्टेज पर है। उसकी तहकीकात पूरी होने तक मैं कोई नया केस नहीं ले सकता और ये केस तो मेरे लिए झूठे पत्थर पे खाने जैसा हो। सर आपको मना करने का पूरा हक है, लेकिन डिसेंट तरीके से। एक आईपीएस अफसर होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप। आपको पता है आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? मिस्टर उत्तम जी, सर अपना गुस्सा केस में दिखाइए। सर सॉरी सर। मैं भी चलता हूँ सर। कहीं काम करते, चार पैसे कमाते तो हम दोनों आज कहीं अलग घर में रहते होते, इस मुसीबत में नहीं फंसते। ये क्या कह रही हो? पता है ना ऑफिस में मेरे बारे में लोग क्या बात करते हैं? क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो काम एक घंटे में होता है उसे मैं 5 मिनट में कर देता हूँ। यहाँ भी तो वही करते हैं। मैंने बात करने से मना किया है ना? मेरे दामाद से एक एक हाथ करके देखो। सास और दामाद लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है। आपस में बाद में लड़ना तुम लोग। मैं तुम्हें इनसे लड़ाई के लिए बोल रही हूँ। हाथ खोल कर देखो फिर पता चलेगा तुम्हें। ए सुन ना, मुझे लगता है तेरी माँ मरवा के छोड़ेगी। तुम लोगों को यहाँ पे बहुत मजाक सूझ रहा है ना? ना देखो मैं कैसी ट्रेजेडी करूंगा। तू इतना बड़ा हो गया, तुझे पता नहीं है घर के अंदर जूते नहीं पहनते हैं? बेवकूफ कहीं का। ये डांट किस रहा है? तुम्हें और किसको? क्या जूते तो इसने उतारे तो मुझे क्यों डांट रहा है? पागल है क्या? उसी से पूछ लेते ब्रदर। घर में कोई बच्चा है क्या? हाँ। आप बिना नहीं है नहीं बोल सकते थे क्या? मेरी बच्ची है तो कैसे बोल देता नहीं है? इनमें अकल नाम की चीज ही कहाँ है? कहने के लिए तो दो दो मर्द हो, उसे मार नहीं सकते? मैं तो तुम्हें भी नहीं मार पाता। मेरे पास पिस्तौल होती ना तो उसे नरक में भेज देता कब का मैं। मेरे पास भी क्वार्टर होता है ना तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाता हूँ। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या किया होगा। घर में बिल्ली भी है? हाँ। बच्चे के बारे में पूछा तो सबने अलग अलग सर हिलाया। बिल्ली के बारे में पूछते ही सब एक साथ सर हिला रहे हो। तुम्हारे बच्चे को बिल्ली से खतरा है, मुझसे नहीं। सुनना, ये बिल्ली से क्या खतरा हो सकता? उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचो ना। पता होता तो 7 साल पहले ही निकल जाता। मैं तो गेट पर भी ताला नहीं लगाती। जीजा जी मैं लाइव हूँ। मैं टेंशन में हूँ। क्यों ज्यादा हो गई है क्या? ज्यादा बातें मत करो। अरे मेरी जान मत खाइए, 2 पैक पीकर चुप रहिए।
तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जीजा जी, आपको क्या चाहिए? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? काहे का डिस्टर्ब? लाइव शो खत्म हो गया ना? लाइव शो खत्म हो गया, लेकिन ऑफिस के दूसरे काम भी। ठीक है, ऑफिस का काम खत्म कर लो, आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। क्या मुसीबत है? इस घर में सबसे बड़ी तुम हो ना? देखने में कैसी लग रही हूँ? तभी तो कहता हूँ बालों में कलर मत किया करो। तुमसे पीने के लिए मना करती हूँ, तुम सुनते हो? नहीं, अपनी पंचायत तुम लोग बाद में कर लेना। ये बताओ खाना कहाँ है? फ्रिज में रखा है, जा जाकर देख लो। सासू माँ बहुत बढ़िया काम किया, जैसे ही फ्रिज खोलेगा वहीं मर जाएगा। पता नहीं क्या रखा था फ्रिज में जो इतनी ज्यादा बदबू आ रही है। परसों की दाल, कल की रोटियां, आज के तले हुए पकौड़े, यही सब रखा हुआ है भाई। सब एक्सपायरी आइटम है भाई, सुन लिया ना? अब भी यहाँ का दामाद बनके अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हारा पति कहाँ है? उस भाग्यवान को यहाँ से भागे हुए 7 साल हो गए। क्यों भाग गया वो? वो बासी खाना नहीं खा पाया। तुम भी तो वही खा रहे हो ना? ए, मैं सिर्फ पीकर जीने वालों में से हूँ, वो मेरी मेन डिश है, तुम तो मेरी साइड डिश हो। रुको, तुम्हारी विस्की में जहर मिलाती हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। सर मैं 104 FM से एंजल बोल रही हूँ। बोलिए क्या बात है? सर एक्चुअली मैं अपने घर में फोन कर रही हूँ तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। आपका जो स्टेशन है वो मेरे घर के बहुत नजदीक है, आप किसी को भेज सकते हैं क्या? ओके ओके, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अरे तुम घबराओ मत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लगता है आज इस पिस्तौल को काम में लाने का समय आ गया है। जा रही थी तो रास्ते में मुझे मैडम क्या पढ़ रही हैं? एक चोर मिल गया। 50 दिन में भाषा सीखे। एक किताब से 50 दिन में भाषा सीख सकते हैं? श्योर। मतलब 2 किताबों से 25 दिन में सीख सकते हैं ना? के लिए कहा था, तूने पुलिस को भेज दिया। तुम ड्राइवर रवि हो ना? अगर एक भी शब्द निकाला ना तो ये गोली तेरे भेजे में चली जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा पूरा परिवार मेरे कब्जे में है और तुमने जिस पुलिस वाले को भेजा था वो भी यही है। बोल ले। जल्दी तुम। विकास तुम ठीक हो ना? विकास डायलॉग पे ब्रेक लगाना यार, सुन लिया? सबकी जान मेरे हाथों में है, अगर पुलिस के पास गई ना तो पूरी 5 लाशें भेजूंगा। 5 कैसे सोच रही हो ना? श्रीमानजी को मिलाकर। इसलिए कोई भी होशियारी मत करना। रवि मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दो। मैं बेवकूफ हूँ ना, घमंडी हूँ ना, मैं कभी माफ नहीं कर। ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं तुम्हें ही मांग लूँ तो? फंस गई ना बातों में, बचने का रास्ता ढूंढ। नहीं, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, बोलो। 12 दिसंबर को तुमने जो बड़ी बड़ी बातें की थी उस सीढ़ी को दोबारा चलाओ। वो दोबारा नहीं चला सकते रवि, हमारे अपने प्रोटोकॉल है। इन सब बारे में मैं कुछ नहीं जानता। चलाने को कहा तो सिर्फ चलाओ। ऐसे नहीं बजा सकते रवि। तो ठीक है, मैं चलाता हूँ। रवि
क्या बात है? घबराई क्यों? कुछ नहीं। क्या बात है? क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं कहा ना? सुन रही हो तो? अरे हुआ क्या? लेकिन स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। बताओ तो। डोंट फॉलो मी। सीडी लेके आ गई क्या? ले आई। तो प्ले करो। प्ले कर रही, लेकिन किसी को कुछ मत करना। प्ले करो। वेट। नालायक कहीं के, ये गाना सुनने के लिए हम सबको बांध रखा है। अरे अगर तू मुझे बोलता तो मैं 40 रुपए में असली सीडी लाकर दे देता। आप सबने ये गाना सुना, आपको पसंद आया। क्या हो रहा है यहाँ पे? किसने गाना बदला? प्रोटोकॉल किसने बदला? बुलशिट। और इसी तरह अगर आप में से कोई बुराई से लड़ेगा तो वो बन जाएगा हम सबका हीरो। तो आप सुन रहे हैं 104 FM, आप सबका फेवरेट प्रोग्राम 9 to 10 में आपका स्वागत है। और मैं हूँ आपकी एंजल। रवि, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा, अब उन्हें छोड़ दो प्लीज। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता क्या है। रवि, ये सब तू क्यों कर रहा है? सीडी में तुमने क्या कहा था? पाप करने वाले को खत्म करने के। तुम्हारी बातों को मान के मैंने भी वही किया। लड़की के चेहरे पे जिन 5 लड़कों ने एसिड फेंका था, मैंने उन्हें मार दिया। पुल पर अन्याय करने वाले उस राजनेता को मैंने ही मार के लटकाया। उस बिजनेसमैन ने गलत किया था ना, उसको भी मैंने ही मार के लटकाया था। साले कमीने, इतने दिनों से हम तुझे ही ढूंढ रहे हैं। लगता है बड़े खूनी के हाथ चढ़ गए। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, इसीलिए मैंने उन्हें खत्म। और ये सब तुम्हारे ही कहने पे मैंने किया था। कहने पे तो मैंने तुम्हारे ही किया। तुमने मुझे क्या कहा? साइको। अब तुम ही बताओ, मैं साइको हूँ या फिर हीरो? अच्छा सवाल है। साड़ू साहब। अरे जीजा जी, हा? आपका साड़ू तो मैं हूँ ना, फिर उसे क्यों साड़ू बोल रहे आप? हमेशा जीतने वाले के साथ खड़े हो ना, अकलमंदी कहलाती है, समझे? दूर के व्हाइट हाउस से यहाँ का मेंशन हाउस अच्छा है। और ये इस हाउस को ब्लैक हाउस बना देगा, इसीलिए तो मस्का लगा रहा हूँ। सुनिए साड़ू साहब, जरा यहाँ आइए। क्यों बे, मैं यहाँ तेरे बाप का नौकर ठहरा हूँ क्या? तुमने हमें इतनी देर से बांध के रखा हुआ है, पैरों का दर्द कमर तक पहुँच गया है। तो मैं क्या करूँ? जरा वहाँ तक जाने का कष्ट उठाइए ना। शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं, 2-4 बोतलों से इकट्ठा करेंगे तो 1 क्वार्टर बन जाएगा। छोड़ क्यों देता है? पूरी खाली करने से भगवान बुरा मानते हैं, इसीलिए उनमें जो थोड़ी थोड़ी बची हुई है ना, सबसे 1 क्वार्टर बन जाएगा। वो क्वार्टर तो मुझे ला करके दे दो, अपनी साली तुम्हें दे दूंगा। क्या कहा? 1 क्वार्टर के बदले तू अपनी साली देगा? लोग करोड़ों के लिए बेचते, मैं क्वार्टर के लिए बेच रहा हूँ। रेट अलग है, रूट तो वही है। मुझ पे दया करो प्लीज, 1 क्वार्टर पिला दो। रवि, यहाँ पर क्या हो रहा है ये? ज्यादा बोलेगा तो गोली मार दूंगा। मेरा परिवार बहुत खतरे में है, वो पहले ही बहुत खून कर चुका है। मेरी फैमिली को कुछ नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा सर? लेकिन बिना पुलिस के पास गए इस प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व करोगी? सर, मैं कुछ भी करके सॉल्व करूंगी सर, आप लोग बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। एंजल, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम बताओ कि तुम क्या करने वाली हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो जो चाहता है तुम वही कह दो कि साइको नहीं हीरो है वो। वो मेरा विश्वास करेगा क्या? वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। तुम एक बार बोल के देखो, अगर वो विश्वास कर लेता है तो उसके बाद हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। सासू माँ, आपने जो पिछले महीने खाना बनाया था ये वही है ना? बड़ा ही नालायक होगा लगता है।
ए रवि सुन ना, मुझे शुगर है ये पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं खाली पेट ड्यूटी करने नहीं आता। मेरे हाथ पैर कांप रहे, थोड़ा खाना मुझे भी दे दो ना। जरा देखो तो इतना सड़ा हुआ खाना, ये कितने मजे से खा रहा है। ए, इतने दिनों से तू भी तो यही खा रहा है। बदबू से बचने के लिए ही तो मैं शराब पीता हूँ। मैंने भी वही किया है। बाप रे, इतने दिनों से जो थोड़ी थोड़ी करके बचाई थी वो एक साथ ही पी गया क्या? जीजू, ये पहले ही हमें टपकाने पर तुला हुआ है, अब और इसे क्यों उसारे हो आप? एक शराबी से ही तंग थी, अब दूसरा भी आ गया। अब क्या फैसला लिया है तुमने? मेरी बात को मानकर तुमने अपनी जान को खतरे में डाला और इतने अच्छे काम किए। तुम सच में मेरे हीरो हो। ये हीरो वाली हंसी है या विलेन वाली हंसी है? लगता है तेरा पत्ता कट गया। अगर मैं हीरो हूं तो विलेन कौन है? रस्सी खोल के मारेगा तब तो ठीक है, वरना तेरे साथ मुझे भी चोट लगेगी। विलेन कौन है? तेरा होने वाला पति है ना? विकास! अभी तो पैर में ही गोली मारी है, पिछवाड़े में गोली मारने से पहले अकेले यहाँ आ जाओ। अकेले आना, समझी? संभालो खुद को एंजल, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो एंजल। लगता है ये अभी नहीं रुकने वाला है। चिंता मत करो, मैं साथ चलता हूँ। नो, मुझे अपनी फैमिली को कैसे भी बचाना होगा। वो साइको है। इससे पहले कि वो मेरी फैमिली को मार दे, मैं उसे मार दूंगी। नहीं, मेरी बात सुनो। नो, मैं मारूंगी। एंजल, अभी से दरवाजे क्यों बंद हैं? अभी तो 10 बजे हैं। हॉर्न बजाओ। अरे बाप रे, एसी साहब। सर, नमस्ते सर। आप यहाँ इस समय? क्या बात है, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, दरवाजे क्यों बंद कर रखे? वो सर, यहाँ चोरों का बहुत बड़ा खतरा है। हेड कांस्टेबल कहाँ? बाहर गए हैं। कहाँ? शराब के ठेके पर? नहीं नहीं सर, वो एफएम एंजल का फोन आया था, तुरंत निकल गए। मैं उनको फोन लगा रहा हूँ पर अभी तक बात नहीं हो पाई है सर। फोन कॉलर आईडी से उस लड़की का फोन नंबर निकाल कर उस लड़की को फोन करो, जाओ। सर, वो लड़की फोन नहीं उठा रही है। क्या कहा, फोन नहीं उठा रही है? ठीक है, जाओ तुम। ठीक है सर। एक बात बताओ, जब मैंने गोली चलाई तो ये आवाज बाहर तो गई होगी ना? मुझे क्या पता कि गोली चलने की आवाज बाहर किसी ने सुनी होगी या नहीं। तो फिर एक काम करता हूँ, दोबारा चलाता हूँ, सुन के बता देना। देखो बेटा, बेटा मुझे मत मारना, मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ। देखो वो घर जमाई है, जाकर उससे पूछो, वो सही सही बताएगा। हाँ, अरे मैं घर जमाई नहीं हूँ, ये घर जमाई है, इनसे पूछे ना। मेरी बीवी का जजमेंट बहुत अच्छा है, उससे पूछेंगे तो वो बिल्कुल सही सही बताएगी। ऐसी बात है, ऐसे आदमी से शादी की, इससे तुम मेरा जजमेंट समझ ही सकते हो। याददाश्त तो मेरी सास की बहुत अच्छी है, एक बार उससे ट्राई क्यों नहीं करते? शराबी बंदर मुझे अटका रहा है, इससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ए, सब मिलके मेरे साथ गेम खेल रहे हो? सबको खत्म कर दूंगा मैं। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने क्या किया सर? हाँ बोलो, क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, कमिश्नर ने मुझे जो केस दिया था उसका अपराधी मेरे सामने खड़ा है। याद रखना, ये मेरा 12वां एनकाउंटर होगा, 12वां एनकाउंटर। मेरा विश्वास कीजिए सर। तुम जैसे लड़के पहले तो मासूम लड़कियों को फुसलाते हैं, फिर प्यार का झूठा वादा करके उनके साथ शादी करते हैं, और जब उन्हें शक हो जाता है तो जान से मार देते हैं। आज तुम पकड़ में आ गए। क्यों भाई, क्या कहते हो?
खत्म कर दो साहब। तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। सर 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 कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मेरी पत्नी जिंदा है। तुम्हारी बात का कोई गवाह है? सर मैं साबित कर सकता हूँ सर। इसे हाथ कड़ी पहनाओ। ओके सर। और थाने में चल, सब वहीं पता चल जाएगा। साबित नहीं किया ना तो? क्या बात है, इस समय अकेली कहाँ से आ रही है? सर मैं एफएम में काम करती हूँ, अभी ड्यूटी से आ रही हूँ। रात को इस तरह लड़कियों का बाहर निकलना ठीक नहीं है। ठीक है जाओ। देखो मेरी हालत क्या हो गई। मैंने कहा था ना, मेरी साली झांसी की रानी है। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे मारने के लिए चप्पल उतारी थी, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम अच्छे हो, लेकिन तुम इन्हें क्यों टॉर्चर कर रहे हो और ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हट जाओ, इन्हें मत करो। रुक जाओ एंजल, क्या कर रही हो? हेलो मिस्टर, इधर आओ। हेलो सर, आई एम राहुल, मैं एफएम स्टूडियो में प्रोप्राइटर हूँ। अभी जो लड़की अंदर गई है एंजल, वो आपके स्टूडियो में काम करती है? यस सर। वो लड़की किसी मुसीबत में है क्या? आ जाओ, आज के बाद मेरा भी अच्छा समय शुरू होने वाला है, मैं भी किसी का एनकाउंटर करने वाला हूँ। मना करने के बाद भी पुलिस को लेके आई? हर बात की एक लिमिट होती है, अगर तुमने अब कुछ किया तो शूट कर दूंगी। मैं भी मारने के लिए आया हूँ, उससे पहले गोली मार दूंगी तुम्हें। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, मेरे सब्र की भी सीमा है। एंजल मेरा भी सब्र खत्म हो रहा है। गुड़िया ऊपर जाओ, ऊपर जाओ तुम। हाँ? गुड़िया, मेरी बच्ची। जाओ, मैंने बिल्ली को गोली मारी, अगर उसके पास गई तो बच्ची को गोली मार दूंगा। तुमने मेरी बिल्ली को मार दिया ना, तू भी मर जाएगा। मैं जो बोलती हूँ वो हो जाएगा। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अंदर से बंद। गो बैक, गो बैक। रहो और अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। तुम्हें मारने के लिए ये आया था, ये नहीं। कांस्टेबल लेकर आओ उसे। देखो इसे, इनका पूरा गैंग है और ये दोनों उसी में काम करते हैं। ये सेलिब्रिटी लड़कियों का पीछा करके उनके बारे में पूरी जानकारी निकाल लेते हैं, उन्हें फंसाते हैं, शादी के नाम पर विदेश ले जाकर लड़कियों को बेचने का काम करते हैं ये तल्ले। हाँ आरती, मेरी ही गाड़ी में बैठ के इन्होंने तुम्हें अगवा करने का प्लान बनाया था, वो भी पूरे नशे में। ए, वो एंजल हमारे हाथ में आ गई ना तो हम लाखों कमा सकते हैं, अपनी जिंदगी मस्त सेटल हो जाएगी यार। ए, हमारे लिए कौन सी नई बात है, ऐसी कितनी लड़कियों को बेचा है हमने। एंजल को चीप समझा है क्या? अरे वो तो बाकी लड़कियों से भी ज्यादा दाम में बिकेगी। सही कहा तूने। ए ड्राइवर, ए कहा है? गाड़ी चला। यही बताने के लिए उस दिन मैं तुम्हारे स्टूडियो में आया था, लेकिन मेरी किस्मत है कि आज तुम्हारे सामने विलन बन के खड़ा हूं। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन तुमने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं, हर बार तुम मुझे नीचा दिखाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लेटर में लिख के बता दूं, लेकिन तुमने उस लेटर को लव लेटर समझ के मुझे चप्पल से मारने की बात कही। अगर ऐसी बात ही तो पुलिस स्टेशन आ जाते। क्यों? लॉकअप में जाने के लिए? अगर मैं उस समय आपसे आके कुछ बताता भी ना
तो एंजल मुझसे इतना ज्यादा नाराज थी ना, वो भी मुझे झूठा ही बोलती और आप लोग उसकी बातों का विश्वास भी कर लेते। तभी मैंने कसम खाई कि मैं खुद को साबित करूंगा, चाहे आप मेरा इनकाउंटर ही क्यों ना कर दो। ये सब क्रिमिनल है, ये बताने के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। एंजल, मैंने तुम्हारी आवाज को चाहा है, तुम्हें नहीं। तुम जाओ यहां से, मैं सब संभाल लूंगा, जाओ। भैया, आप नहीं मरेंगे, सॉरी। सर, मैंने केस क्लोज कर दिया है विद एनकाउंटर। फिलहाल ये बात प्रेस वालों को नहीं पता चलनी चाहिए। सर, सर, आपने इतने बड़े खूनी को छोड़ कैसे दिया? कौन? वो? उसने छोटे बच्चों को दूध में जहर मिलाकर बेचने वालों को मारा है। देखा जाए तो ये काम तुम्हें और मुझे करना चाहिए, समझे? तुम्हें रिटायर होने में अभी एक साल है ना? हाँ सर। जाओ, न तुमने कुछ कहा है और ना ही मैंने कुछ सुना है, जाओ। जी सर। जिसकी जो यूनिफॉर्म है उसे वही पहननी चाहिए। और आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम 9 to 10 में। तो आज की शाम मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक धमाकेदार गाना। मुझे बहुत अच्छी तो लगती हमारे है। साथ बने रहिए और सुनते रहिए ये प्यारे प्यारे गाने। कल सुबह मैं FM ऑफिस जाऊंगा।